जिला स्तरीय जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे फरियादी। हजारीबाग के समरणालय परिसर में जिला स्तरीय जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें हजारीबाग जिला के सभी थाना प्रभारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंचे झारखंड पुलिस के मुख्यालय वायरलेस डीआईजी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इस कैंप के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी समस्या को लेकर काफी परेशान रहते हैं। इसी को लेकर इस तरीके का कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। विभाग की पूरी प्रयास है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। वहीं कई शिकायत को लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि वह अपनी शिकायत को लेकर कई बार थाना एवं अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। आज इस कैंप के माध्यम से उनकी समस्या सुनी जा रही है और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जल्द ही निराकरण का आश्वासन भी दिया गया है। इस शिविर में खासकर जमीनी संबंधित मामले को लेकर अधिक शिकायतकर्ता सामने नजर आए। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। मैम, शिकायतें तो जनहित की जो शिकायतें हैं, हम लोग चूँकि एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग एक जनहित की ही शिकायतें लेकर आए हैं यहाँ। और सबसे पहले इस जन शिकायत का जो आज कैंप लगाया गया, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि कम से कम इस तरह का एक शिविर का आयोजन कर लोगों की जन समस्या का समाधान करने के लिए, मैंने एक दिवसीय अगर यदि लगाते हैं तो इसको बीच बीच में भी लगाना चाहिए, ताकि लोगों को जो दौड़ना पड़ता है, बहुत ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, उससे लोग मुक्त हो और उसका समाधान हो। अभी तो खास करके हमारे यहाँ जैसे इचाक में NH 33 पर इचाक मोड़ दोनों सर्विस रोड पर हमेशा अतिक्रमण लोगों के द्वारा ठेला लगाकर दुकानें लगाकर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि लोग जो आना जाना होता है सर्विस रोड में, एक भी गाड़ियां नहीं आ जा पाती है, छोटी गाड़ियां। कभी कभी बीच में दिक्कत होता है कि जो 4 लेन है वो जाम हो जाती है, तो लोगों को सर्विस रोड बनाया गया है कि कम से कम गांव के लोग, देहात के लोग जो अगल बगल जिस जो लाभान्वित है सर्विस रोड से, उसको निकलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमेशा वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उस सर्विस रोड को अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। खास करके जब बाजार हाट लगती है उस दिन कभी भी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हम लोगों ने आज जन शिकायत इस केंद्र में हम लोग आए हैं कि से कम इसका निवारण हो और अतिक्रमण मुक्त हो वहाँ। मैडम, आप कड़कनसानी प्रखंड के मुख्य संघ के अध्यक्ष हुई, आप किस तरह की समस्या को लेकर यहाँ पर आई हैं? हम यहाँ पे समस्या लेके आए हैं, शराबबंदी, छोटे छोटे दुकान में गांजा उंजा बिकता है, हमारे स्कूलिया बच्चा लोग पीके बर्बाद हो रहे हैं। इसमें रोक लगाने के लिए एक एप्लीकेशन हम दिए यहाँ पे। दूसरा है धर्मांतर, उसी चर्चा के नाम पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमारा ये एक शिकायत है। तो आप लोग से एक सवाल कि क्या इस तरह का शिविर आगे भी लगना चाहिए? लगना चाहिए, हमने पहले ही कहा कि मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि इस तरह का शिविर जिला स्तर नहीं, मैं प्रखंड स्तर पर भी शिविर लगाकर जन समस्या का जो है उसका समाधान शिविरों के माध्यम से किया जाए। यह कार्यक्रम सभी 2400 जिलों में आयोजित किया गया है, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में भी इसका आयोजन किया गया है। काफी शिकायतें और लोगों का भीड़ उमड़ के आया है अपनी शिकायतों को लेकर के पुलिस पदाधिकारियों के पास या प्रशासनिक पदाधिकारी के पास उसके समाधान के लिए। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, उनके सभी पुलिस उपाधीक्षक और मंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक और सभी थाना प्रभारी अपना अपना डेस्क और कियोस्क लगा करके समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। उनकी जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान के लिए जो तुरंत हो सकता है उसको किया जा रहा है, और जिसमें कुछ समय लगेगा उसका भी निस्तारण करने के लिए वो कार्रवाई करेंगे। कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायत अगर एक वरीय पदाधिकारी के तौर पर मेरे पास आएगा, मैं शीघ्र मुकम्मल कार्रवाई हो, अतिशीघ्र कार्रवाई हो, इसके लिए सभी को निर्देश दिया जाए। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।